जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कैरियरपुर में। मैं सूर्या, उत्तर प्रदेश दरोगा की जो मैं सीरीज एक चला रहा हूँ, मैंने अभी 22 दिसंबर के मैंने पेपर सॉल्व किए प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं 21 दिसंबर के प्रथम पाली के प्रश्न पत्र को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करना कि क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना पेन और पेपर से, पेपर लेकर के, और जो फिर इसके बाद मेरे डिस्कशन को देखना। इससे आपकी क्या होगी, लॉजिक, कॉमन सेंस और सोचने की थोड़ी सी क्षमता आप लोगों की डेवलप होगी। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किग्रा की वृद्धि की गई जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किग्रा है, टीम का औसत वजन 67 किग्रा है, तो कोच के वजन का पता लगाएं। देखो सीधी सी बात है, यदि 67 किग्रा यदि औसत वजन है कोच का, 67 किग्रा है कोच का औसत वजन, सॉरी सब पूरी टीम का औसत वजन 67 किग्रा है, कोच के आने से क्या हुआ था, 6 लोगों पे 1 किलो बढ़ गया, 6 लोगों पे 1-1 किलो बढ़ गया, यानी कि कोच के आने से एवरेज पे 6 लोगों पे 1-1 किलो बढ़ गया और अभी भी औसत वजन 67 रह गया है, यानी कि जो कोच आया होगा वो 6 × 1 यानी 67 और 6 लेकर के आया है, यानी कितने केजी का आया था, 73 केजी का लेकर के आया था। आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो ये आप ऐसे तरीके देख के सॉल्व नहीं होना, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो 73 केजी का कोच रहा होगा। अगला प्रश्न है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाए तो वो प्रत्येक मामले में 11 शेषफल छोड़ती है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है, तो इनको बड़े से बड़े फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में आप ब्रेक कर लो। ये तो 16 ही होना है और ये कितना है, 9 × 2 होना है और ये कितना होना है, 4 × 5 होना है। इसको प्राइम फैक्टर ये देखो, क्योंकि देखो जो नंबर में हमने मैंने ब्रेक किया, यदि ये 16 है तो इसमें सिर्फ 2 के मल्टीप्लायर है, यदि ये 9 है तो इसमें 3 के ही गुणनफल है, और यदि ये 4 × 5 है तो इसमें 2 का ही है, इस तरीके से। तो आप क्या करो कि सबसे पहले 2 की फैमिली देखो, ऐसे क्या होता है कि 2 के टेबल में 4 आता है, 2 प्राइम फैक्टर के जो मल्टीपल हैं उनमें मैंने ब्रेक किया है, जो भी नंबर हमने ब्रेक किया है वो अभाज्य संख्या के मल्टीपल में ब्रेक किया है, जैसे 2 के मल्टीपल में और 3 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, यदि 7 का होता तो 7 के मल्टीपल में, 8 के मल्टीपल में नहीं तोड़ता मैं, क्योंकि 8 का 8 किस में होता है, 2 के ही तो बड़ा वाला है और 16 वही उसी की कड़ी में आ रहा था, 2 के ही गुणनफल में आ रहा है। और मैंने देखो 9 को नहीं किया, 9 का कोई अलग से नहीं ब्रेक किया, 9 किस में आ जाता है, 3 के ही मल्टीपल में आता है। तो बड़े से बड़े फैक्टर को आप उठाने की कोशिश करो, 2 का बड़ा फैक्टर क्या होगा, 16 होगा, है ना, और 3 का बड़ा वाला फैक्टर कौन होगा, 9 होगा, और 5 का बड़ा वाला कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो 16 × 9, तो 16 × 9 144 होगा आई थिंक, और इंटू 5, 5 × 20, 5 × 20 2 = 22, 5 × 51 5 और 2 = 7, यानी कि 720 तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 से 16 से 18 से और 20 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने ये कहा है कि 11 रिमाइंडर आए, तो आप क्या कर दो, आप 11 इसमें जोड़ोगे तभी तो वो 11 रिमाइंडर देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 731 हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी हो जाएगा, तो आप इसको या तो आप इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम प्लस का 11, तो एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी है ना। यदि आपको चाहिए कि नहीं सारा चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट लिखना, मैं सारे चैप्टर 1 by 1 आपको पढ़ाऊंगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किग्रा है, लड़कों का औसत वजन 30 किग्रा है, लड़के तथा लड़कियों दोनों का एक साथ का औसत वजन 25 किग्रा है, तो लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या क्या है। इसमें सिंपल सा है, सम्मिश्रण एलिगेशन लगेगा इसमें, जबकि लड़कियों का औसत वजन 15 किग्रा है, लड़कियों का क्या है 15 किग्रा है, लड़कों का क्या है 30 किग्रा है, लड़कों का कितना है 30 किग्रा है, लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किग्रा है। तो आप क्या करोगे, जब भी दो चीज़ों का रिजल्टेंट
सम्मिश्रण एक होता है तो आप क्या कर दे होते, एलिगेशन लगाते हो। अब 30 में से 25 जाएगा, 5 बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लो, इधर कितना हो जाएगा 10। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा, जबकि लड़कों की संख्या 12 दे रखी है। यानी कि दो यूनिट की वैल्यू 12 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही आपका उत्तर आएगा इसमें, समझ आई बात, नोट डाउन कर लो आप एक बार इस डिस्कशन को देख लो, तो इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 22% प्रतिवर्ष पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 387.2 है, राशि ज्ञात करें। यदि आप 22% की दर से साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए आप देते हो, तो साधारण ब्याज क्या होता है कि हर वर्ष में बराबर ही लगता है। इस साल 22% मूलधन पे लगता है, तो अगले साल भी 22% ही होगा मूलधन पे। तो 22 और 22 कितना हो जाएगा, 2 साल का, 2 ईयर का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। लेकिन यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, तो पहले वर्ष 22%, अगले वर्ष भी 22%, अगले दूसरे वर्ष में 22% का भी, यदि 100 है तो 22% का भी 22%, 22 का 22% आएगा, यानी 22 का 22% आ जाएगा। तो यहाँ तो 44 होगा ही होगा, यहाँ 484 होगा, डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, ये 484 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 48.84%। यानी कि जो बच्चे डिफरेंस होगा, यहाँ 44% सिंपल इंटरेस्ट है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 48.84% है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यही इतना ही क्या आता है, डिफरेंस आता है। जो सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर आएगा वो 22 का 22% ही आएगा, यानी यही आपका आएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही डिफरेंस होता है सीआई और एसआई का, इतना रेट परसेंट। अब आपको पता है कि 484% की वैल्यू, 4.84% की वैल्यू आपको दे रखा है 387.2, तो आपको 100% कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप एक डेसिमल इसका हटाओगे तो एक डेसिमल इसका हट जाएगा, और इसका यहाँ डेसिमल आ गया। अब यहाँ डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 की गुणा करोगे, यहाँ 0, यहाँ डेसिमल हट जाएगा, तो आप इससे क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, आप इसको डिवाइड कर लो, 4 से देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 4 9 36, 2 4 6 24, 3 4 8 32, 0 4 51, 4 2 4 51, ठीक है। तो 1 से कितनी बारी में कैंसिल आउट कर दो, इससे 121 से 8 बारी में देख लो, 8 51 8, 12 8 96, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आपका जो क्या पूछा है आपसे, तो राशि ज्ञात करें, तो राशि कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। यानी कि आप फिर से समझ लो कि 4.84% की वैल्यू कितनी है, 387.2 है, तो 100% की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वहाँ से ये कैलकुलेशन ही है, बहुत आसान है, हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का वर्गमूल, पहली संख्या यदि x माना, दूसरी y माना, तो इनका जो वर्गमूल है वो 13 है। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, 169 आ जाएगा वर्गमूल। एक मिनट, वर्गों का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 169। दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, तो 169 हो जाएगा, और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, x माइनस वाई बराबर 7 है, अब आप यहाँ से क्या काम करोगे कि दो संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करके 169 आ रहा है और इनका डिफरेंस कितना है, 7 है, तो आप थोड़ा सा नंबर का क्रंचिंग करा लो, इतना नंबर यदि आप सोच सकते हो, तो 12 और 5, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा,
अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 144, इतना थोड़ा सा आपको तेज सोचना पड़ेगा, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, 12 माइनस 5 कितना होगा 7, यानी कि दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं, कब 12 x की वैल्यू 12 पुट करने पर, y की वैल्यू कितनी 5 पुट करने पर। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें, छोटी संख्या इसमें कौन आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आपका उत्तर होना है। क्लियर, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा नंबर सोचोगे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 169 हो जाएगा, ऐसी कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं, यानी कि 12 और 5, इतना नंबर आपको सेट करोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीन संख्याओं ए बी और सी के संबंध में, ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है, ए बी प्लस सी 46 है, तो सी और ए के बीच का अंतर क्या है, चलो देखते हैं। वो क्या कह रहा है, ए बी का 1/3 है, यानी ए अपॉन बी, यदि ए 1 है तो बी कितना है 3 है, और अगली लाइन में उसने कहा कि बी सी का 2/5 है, तो b यदि 2 है तो c कितना है 5, यानी कि b/c कितना है 2/5, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि a b और c, यदि a 1 है तो b कितना है 3 है, यदि b 2 है तो c कितना है 5 है, तो आप क्या काम करो, यहाँ 2 की गुणा कर लो और यहाँ पे 3 की गुणा कर लो, बराबर हो जाएगा 6, 2 के साथ 6 और 6 के साथ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3×5=15 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू 6 होगी तो c की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, तो कितना हो जाएगा 6, 2, 8, 15, 8 कितना हो जाएगा आपका 15 और 8 23 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा 46 दे रखा है, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ करके कितना है 46 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और आपसे क्या पूछा हुआ है कि C और A के बीच अंतर ज्ञात करें, C और A के बीच में अंतर, तो C और A के बीच में अंतर कितने यूनिट का है 15 - 2 जाएगा 13 यूनिट का है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 26 आएगा आपका उत्तर, बात समझ आई, यहाँ तक आ रहा है कैमरे में, हाँ ठीक है, तो इतना आ जाएगा 26 यूनिट आ गया, 26 आ जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किग्रा है, जब दो पुरुष ए और बी शामिल कर लिए जाते हैं तो औसत वजन 34 किग्रा हो जाता है, ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलो है, अच्छा 20 पुरुष हैं, इनका औसत वजन कितना है बच्चा 32 किग्रा है, तो 32 × 64 640 टोटल हो जाएगा, और जब दो पुरुष को शामिल कर लिया जाता है, दो पुरुष को शामिल करने के बाद कितने हो जाएंगे 22 लोग हो जाएंगे, उनका औसत वजन 34 किग्रा हो जाता है, यानी कि जब 22 हैं तो 34 है, जब 20 हैं तो 32 है, अब क्या होना है कि 66 प्लस 8 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 66 प्लस 8 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, तो सिर्फ दो व्यक्ति जो इसमें ए और बी इंक्लूड हुए हैं उनका सम कितना आ जाएगा 108 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी, यदि इसमें से एक पुरुष बी जिसका वजन, बी का वजन 40 किग्रा है, यदि इसमें से मैं 40 किग्रा मैं माइनस कर दूं, 108 माइनस 40 किग्रा मैं माइनस कर दूं, तो 68 वजन आ जाएगा जो दूसरे पुरुष का है, ए वाले का है, ठीक है, ए का वजन आ जाएगा 68 किग्रा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका, बात आई समझ। अगला कह रहा कि तीन संख्याएं इतना अनुपात में उनका महत्तम समापवर्त, तीन संख्याएं हैं 12 × 9 × इतना, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है, 12 है 9 है और 4 है, इनका जो महत्तम समापवर्त है वो 5 है, 5 है इनका, यानी कि HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कितना है 5 है। जब HCF ही आप निकाल लेते हो किसी संख्या में तो बचती क्या है, वो संख्याएं बचती हैं, वो संख्याओं का अनुपात बचता है, यानी जब आप अनुपात में HCF की गुणा कर दोगे तो नंबर्स आ जाएंगे, पहला नंबर होगा 12×5=60, दूसरा होगा 9×5=45, तीसरा होगा कितना 20, यानी कि 60, 45 और 20, ये होगा 60, 45 और क्या होगा 20 होगा, ये इनका क्या आ जाएगा,
HCF आ जाएगा, सॉरी ये नंबर्स आ गए। अब क्या कह रहा है, इनका LCM पूछ रहा है आपसे। तो अब क्या करो कि आप जरा देखो इसको, या तो आप क्या करते हो, इसको ब्रेक करो, तीन गुड़े पाँच गुड़े चार, ठीक है, ये नौ गुड़े पाँच, ये चार गुड़े पाँच, ठीक है। तो आप दो वाले दो के फैक्टर में, यानी कि दो के प्राइम के फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है, चार है, तीन के प्राइम के फैक्टर में कौन है, नौ है, और पाँच के फैक्टर में कौन है, पाँच है। तो आपने ये उठाया तो पाँचों को बीस, नवा कितना हो जाएगा, 180, 180 आपका उत्तर आ जाएगा, 180 ही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कितने क्वेश्चन हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः आठ नौ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने दो मोबाइल फोन को 6,000 प्रत्येक की दर से बेच दिया, एक 20% के लाभ पर और दूसरा हानि पर, लेन देन में उसे 4% की हानि हुई, जिस मोबाइल को हानि पर बेचा तो उस पर हानि प्रतिशत क्या होगा। आप एक MN फॉर्मूला लगाते हो, ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, या कुछ लोग x और y बोलते हैं उसको। तो आप कोई भी संख्या होती है, जैसे आप कभी 10% को, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो आप क्या करते हो, दोनों परसेंटेज का MN लगा देते हो, या ए बी फॉर्मूला जो भी आप यूज़ करते हो। तो एक मान लो जैसे 10% लाभ 10% हानि होता है, तो एक्चुअल में 10% लाभ और 10% हानि, फिर उधर कितना हो जाएगा, 10 × 10 1% का लॉस होगा। 20% के केस में क्या आता है कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस 20 × 20 अपॉन 100, तो यानी 20 से ये 20 तो कैंसिल आउट हो जाना है, ये कितना आ जाएगा, 4%, है ना, माइनस का 4%। यदि एक 20% लाभ होगा एक 20% हानि होगी, तभी तो ओवरऑल में कितना होगा, 4% का लॉस होगा, है ना। ये हमें लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, मैं दूसरे तरीके से इसको समझाता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। मुझे करना होता है ये क्वेश्चन, तो मैं क्या करता है, इसका तुरंत देखते ही चार माइनस का चार, यानी कि 20, यदि माइनस का चार हो रहा है तो मैंने 20 लगाना था कि 20% की हानि हो रही, फिर भी मैं एक बार डिटेल में सॉल्व करता हूँ। पहली वस्तु को उसने क्या करा है कि 6,000 रुपये में, अच्छा दो को 6,000 में बेचा है, यानी कि पहली 6,000 में बेचा है तो दूसरी भी 6,000 में बेचा होगा, यानी कि विक्रय वन और विक्रय टू, यानी कि कुल मिला जुला के आपका 12,000 रुपये हो रहा है। अब ये जो 12,000 है वो टोटल का 4% हानि है, ये जो 12,000 है वो टोटल का क्या है, 4% हानि है, यानी कि टोटल जो सीपी होगा, कुल जो कर क्रय होगा, कुल क्रय मूल्य, यानी उसने बोला है ना कि 4% की कुल पर हानि हुई है, जब 4% की कुल पे हानि हुई है तो आप क्या करोगे कि मींस 96% ही 12,000 के बराबर होगा, तो 12 से 1012 12 अट्ठे 96, 8 से 8 91 8 दूनी 16 8 पंजे 40, यानी कि वस्तु का 12,500 वस्तु का कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, वस्तु का कुल क्रय कितना आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि पहली वस्तु को हमने 20% के लाभ पर बेचा है, पहली वस्तु को क्या करा है, 20% के लाभ पर बेचा है। तो जब पहली वस्तु को हमने 20% के लाभ पर बेचा है, यानी CP1 विक्रय वन 20% के लाभ, 120 बराबर कितना है, 6,000 के, यानी विक्रय मूल्य पहले वाले का 6,000 है, तो इससे कट जाएगा, 6 × 6 = 12, 2 से कितनी बारी में आ जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा पहले वस्तु का 110 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य यानी 5,000 है और कुल क्रय मूल्य 12,500 है, तो यानी इसका मतलब ये है कि जो दूसरी वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 7,500 होगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 7,500 रुपये होगा। अब इसको कितने में बेचा जा रहा है, 6,000 में बेचा जा रहा है। जब 6,000 में बेचा जा रहा है तो उसे लॉस कितने का हो रहा है, 1,500 का लॉस हो रहा है, कितने पर,
7500 पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 15 51 15 5 75, 0 से 0 कट गया, यानी कि कितना लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। आपको समझ आई बातें? पहले का विक्रय मूल्य 6000, दूसरे का विक्रय मूल्य 6000, और जबकि दोनों को जोड़ के, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक 6000 में बिक रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। जबकि जो ये 12000 है, कुल पे 4% की हानि है, तो कुल क्रय मूल्य हमने निकाल दिया कितना, 12500। अब पहली वस्तु का तो हमें पता है कि नहीं, 6000 में बिक रही है और उसको 20% का लाभ हो रहा है। जब 20% का उस पर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, पहली को 20% लाभ पे बेचा, पहली का क्रय मूल्य निकल गया 5000। अब हमें दूसरे का क्रय मूल्य चाहिए। हमें पता है कि दोनों का कुल क्रय मूल्य 12500 है, तो एक का क्रय मूल्य यदि 5000 है तो दूसरे का कितना होगा, 7500। अब आप जरा देखो कि 7500 की सामान 6000 में बिक रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1500 का लॉस हो रहा है। कितने पर, 7500 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे भी आपको ऐसे ही UPSI के सोल्यूशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि ये आप लोगों को ये लाभ मिल रहा है हमारी वीडियो से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, इस पर लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस करें कि हमारी जो अगली वीडियो है जैसे ही आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो धन्यवाद आप लोगों का।